फर्स्ट वर्ड इज उत्तर, उत्तर दे, ढुकवे विकल्प चुनो, वो अर्थक शब्द। मैं तुम्हें तो ढुकवे वर्ड ही बोल देनी है, जे ऑप्शन दसन लगे तो बेटे फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। फर्स्ट वैसे ऑप्शन है दिशा, एक क्वेश्चन दी सुन लो, दिशा जवाब। सेकंड ऑप्शन इज कंडा ते सूल, थर्ड इज प्रश्न ते सवाल, फोर्थ ऑप्शन इज जवाब ते डिगना। दिशा ते जवाब, हुन लिखो साइड ते दिशा जवाब। एदे नाल कुछ होर भी है, एक क्रिया रूप भी है उतरना, एक वर्ड होर है, होर दस सकते हो केड़ा हो सकता? एक उतरना, उतरना मीन्स वो पौड़ियां तो उतर रहा, एक होर भी है वर्ड, एक दिशा हो गया डायरेक्शन, एक जवाब हो गया आंसर, एक होर वर्ड भी है। हाँ बच्चे, यस कट नहीं, मोढ़ा उतरना वो भी है, लेना लेना, एक होर है वर्ड, ओदा मोढ़ा उतर गया डिगन नाल, ठीक है ना, ओनू कहंदे है लेना। एक होर वर्ड, एक होर वर्ड है कि उसका बुखार उतर गया, घट गया, ठीक है, नहर विच पानी उतर गया, घट गया, नहर विच पानी उतर गया, घट गया, ठीक है बच्चे। घटना, घटना ना लिख लियो, जड़ी दुर्घटना, घटना मीन अनाने नाल, घटना ये भी क्रिया रूप है, घट गया। ए तो इलावा केड़े केड़े सी हुन, दिशा जवाब, ठीक है, लेना उतर, एक उतरना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वर्ड इज होशियार शब्द दे, होशियार शब्द दे केड़े वो आर्थिक शब्द हो सकते हैं। होशियार एक तो हो गया लाइक, एक समझदार, लाइक होर चलाक, ठीक है, बहुत होशियार है, ओदे अगे तू टिक नहीं सकता, एक चलाक है, नहीं होशियार एक लाइक है, पढ़ाई विच होशियार नहीं, एक अलग वर्ड है, वो आर्थिक शब्द है ना, एक चलाक ओए, हाँ, होशियार दा चलाक वो आर्थिक विच वर्तना ना। एक होशियार में तेज, चुकन्ने होना, तेन वास्ते होशियारी तो कम लेना पैना, ठीक है, वो चुकन्ने होना, चलाक अलग है, चलाक दा तेज नहीं, अलग अलग है तीनों। देखो मैं वाक बोल दी हाँ, होशियार मीन्स लाइक, पढ़न विच होशियार है, वो इन्ना होशियार है ना, होशियार है कि सबनों पिछे छड़ दंदा, तेज दौड़न विच होशियार, तेज, ठीक है, एक होशियार मीन्स चलाक, चलाक कम काज विच इन्ना होशियार है, व्यापार नू इन्नी तरक्की ते लै गया, ओदे व्यापार विच ओदे अगे कोई टिक नहीं सकता, चलाक तेज, चलाक अलग है, स्मार्टनेस जिन्हू कहंदे ने तेज, और एक लाइक। नेक्स्ट तीन, वो आर्थिक शब्दां दे अर्थ लई सही विकल्प चुनो, वो आर्थिक शब्द लई, बहुते शब्दां ते बहुते अर्थ, बहुते शब्दां दे समान अर्थ, एक शब्द दे एक तो वध अर्थ, एक शब्द है एक ही अर्थ, एक शब्द दे एक तो वध अर्थ, समान अर्थ नहीं होंगे, समान अर्थ वाली ऑप्शन गलत हो गई। नेक्स्ट संघ शब्द दे वो अर्थक शब्द चुनो, संघ ध्यान नाल सुनो, जेड़े पहला ऑलरेडी किते हुए वो ध्यान नाल सुन लो, संघ मीन्स नाल, संघ मीन्स साथ, संग मीन्स शर्म, संग मीन्स गला, ठीक है, वो कोई भी चीज कहता है ना वो संग भी चढ़ जाती है, संग गला। नेक्स्ट वर्ड इज सिट्टा, सिट्टा का नतीजा, संग नाल, परमात्मा हर एक दे अंग संग है, संग साथ, चंगियां दा संग करो जिन्हों कहंदे ने, संग मीन्स शर्म, ओनू वड्डियां अगे गल करन तो संग आंदी है,
कुछ भी बोलन तो संगदा है, वो एक संग मीन्स गला, कोई भी चीज खांदा उहदे संग विच अड़ जांदी है। नेक्स्ट सिट्टा, सिट्टा निचोड़, सिट्टा मीन निचोड़ जिन्हों संखेप सार कहते हैं। सिट्टा कपाह का सिट्टा, फसलों का सिट्टा, जड़ी कणक है पहला सिट्टिया विच हुंदी है तां एक मुठ हुंदी है। सिट्टा मीन्स नेक्स्ट नतीजा, बुरे काम का सिट्टा, बुरा ही निकलता। सिट्टा निचोड़ नतीजा वो सट्टा होंगे, सट्टा लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज एक कनक है जड़ी पहला सिट्टियां चुंदी, जो थ्रैशना नाल उहदी कीती जांदी है ना कटाई वढाई हुंदी तां उह सिट्टियां तों बाहर आ जांदी है। सिट्टे च हुंदे आ दाणे तां इक मुठ हुंदे ने, ठीक है, फिर खिलर जांदे ने। नेक्स्ट वर्ड इज, हां जी, नेक्स्ट वर्ड इज, ध्यान नाल सेंटेंस सुनो। सियाणे कहंदे हन कर मजूरी खा चूरी, पर महंगाई भी चूरी कितू खाइए, कर भर भर के थक गए हाँ, मेरे ते कर पैर ही टूट जाते ने, मेहनत कर करके। इस वाक विच कर शब्द पांच वारी आया, पांच वारी। तुसी दूजी वार आए कर शब्द का मीनिंग, आप सारे का मीनिंग करांगे तो क्लीयर हो जाना। ध्यान नाल सुनो, कर मजूरी कम करना, कर मीन्स कम करना, मेहनत करनी। सेकेंड है कर भर के, कर मीन्स टैक्स, कर मीन टैक्स भर के, कर का मतलब होंगे टैक्स। सेकेंड का उन्हें पूछा, सेकेंड का की मीनिंग है टैक्स, कि कर भर भर के असी थक गए, मेरे तो कर पैर ही टुट गए। कर मीन्स हथ, कर मीन्स हथ। नेक्स्ट मेहनत कर करके, कम कर करके, अगला भी वर्ड की है कम कर करके। इस वाक विच कर शब्द क्लियर हो गया। हुण नेक्स्ट इसे तरह ही डॉक्टर ने जदों उसका, डॉक्टर ने तुहानू ना एक सेंटेंस दे नाल सारे मीनिंग क्लीयर हो जाने। डॉक्टर ने जदों उसका पेट चेक किया तो उस विचों पूरा चाक निकलिया, पूरा चाक निकलिया। इहदा की मीनिंग है दूजे का, चाक मीन लिखण वाला, पहला चाक मीन चीरना, ठीक है। एक चाक का मतलब होंगे छेद। हुण तीन मीनिंग लिख लो, तीसरा इत्थे दित्ता नहीं सी, वह भी मैं तुहानू क्लीयर कर दा। जिहदे च आपां बटन लगाने पहले चाक करना पैंदा, शर्ट ते बटन लगा लो। चाक मीन छेद, चाक मीन लिखण वाला, बोर्ड ते लिखण वाला जिहदे नाल आपां लिख रहे हां। एक चाक मीन चीरना, ठीक है बच्चे। डॉक्टर ने पेट चाक किता, चीरिया तां विचों चाक निकलिया। नेक्स्ट वर्ड इज, मैं बच्चे असाइनमेंट भेजी हुई है, ये ऑलरेडी तुहानू सेंड कीती हुई, मैं उही सॉल्व करवा रही हूं। डॉक्टर ने जदों उसका पेट चाक किता तां उस विचों चाक निकलिया। पहले तो दूजे का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, फिर किवें आंसर दिता होगा। यह देखो चीरना पहला, सीक्वेंस भी होना चाहिए, दूसरा लिखण वाला चाक, ठीक है। जां दूजी ऑप्शन की होगी, पहला लिखण वाला चाक, दूजा चीरना पेट विच। हाँ जी, किसे तो कोई सीजर निकल आती है, कोई मीन्स डॉक्टर की ना अनगैली, ठीक है। नेक्स्ट उसनों ज्यों ही, अगला सेंटेंस ध्यान नाल सुनो। उसनों ज्यों ही जाग आई, उसने दुध नूं जाग लगाई, ते उसनों सवेरे उठते ही पढ़ाई दी जाग लग गई। हुण तीन वारी जाग शब्द आया, पहला है उठना, जाग दा मतलब है उठना। तुसी बच्चे मीनिंग समझ लो, तुहानू असाइनमेंट सेंड कीती हुई है, जाके करोगे तुहानू अपने आप आ जाने मीनिंग। पहले का मीनिंग है उठना, सेकंड का मीनिंग है जामुन लाना जा खट्टा लाना, उन्हें जमाना, दही नू जमाने लई खट्टा लाना। ते थर्ड वन,
थर्ड वन इज जामन लाना या जमन लाना जबना ता जो दही जम जाए। थर्ड वन इज असर होना, पढ़ाई दी लटक लगनी, लगन लगनी, उसनू पढ़ाई दी ऐसी जाग लगी और दिन रात इक करता उसने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट केड़ा शब्द के तुनू ऑलरेडी टेस्ट च दिता होया, केड़ा शब्द टिक्की शब्द दा बो अर्थक नहीं है, ध्यान नाल सुनिया। हुण टेस्ट वाले भी मैं रिवाइज करा दा तुहाडा टेस्ट बिल्कुल। एक है गाची, जिवें साबण दी गाची होगी, कोई भी गाची, निक्की रोटी टिक्की, सूरज दी टिक्की चढ़दियां ही उह मजदूर कम्मां ते चले गए, टिकना टिक्की दा बो अर्थक नहीं है। हुण इहदे अकॉर्डिंग एक बारी तुहानू सारे क्वेश्चन वैसे आपां डिस्कस कर ले हुए है। चलो नेक्स्ट है हथला कम छेती छेती पूरा कर लो, छेती छेती पूरा कर लो क्योंकि करमे दा बापू पूरा हो गया है, ओदे संस्कार ते जाना है। करमे दा बापू पूरा देश भगत सी। इस वाक विच पूरा शब्द तीन वारी आया, पहला है छेती छेती कम पूरा कर लो, मुकम्मल कर लो, कंप्लीट मुकम्मल, पहले का की मीनिंग है मुकम्मल। सेकंड है कि खत्म हो गया है, ओदी मौत हो गई है क्योंकि करमे दा बापू पूरा हो गया। जदों कोई इंसान मरदा तो उन्हें कहने पूरा हो गया मुकम्मल, ये तो ऑप्शन च ही आना। नेक्स्ट वर्ड जिहड़ा बापू पूरा होया ना वो सच्चा पूरा देश भगत सी, पक्का। पूरा दा मतलब पक्का, पूरा मतलब पक्का देश भगत। नेक्स्ट इस तरह सेंटेंस आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट झूठ मारन कारण, अगला सेंटेंस तुसी वर्ड नोट कर लो, झूठ मारन, पहले वर्ड यूज करो, झूठ मारन कारण मुकेश नू स्कूलों मार पई। हुण पहला झूठ मारन दा भाव है बोलना, दूजे दा मार है कुटना, तीसरा पता नहीं की मार वग गई है कि उसने सब दे पैसे, वो सब दे पैसे मार लेंदा है। हुण देखो ध्यान नाल, पहला मार दा भाव है बोलना, झूठ मारना मीन्स बोलना, दूसरे मार दा भाव है ओनू स्कूलों मार पई कुट पई, तीसरे मार दा भाव है पता नहीं केड़ी हवा चल गई है, केड़ी वाह वग गई है, वाह वगना भैड़ी आदत, भैड़ी वाह। देखो की मार वग गई है, लोग फैशन प्रस्ती वल चल पे है, दिखावे वल चल पे है, ये मार ही पई है ना लोगों नू, केड़ी वाह वग गई है, केड़ी भैड़ी आदत। जायनू जे ऑप्शन चाहे भैड़ी आदत ओनू टिक करोगे, जे विगड़ी हुई आदत नू टिक करोगे, ये सोच के करना पैना। ठीक है, एक मार दा वर्ड इत्थे आया ही नहीं, जो कि मैं तुहानू टेस्ट दिता सी, भस्म दवाई जड़ी है ना मार मार के तैयार होंदी है, जड़ी जड़ी बूटियां नू मार के। एक हुंदा जान मारना, एक जान मारना मीन्स मेहनत करनी, किसान जान मार मार के फसलां पैदा करदे ने, किन्नी मीनिंग है मार दे, जान मारना मुहावरा किता होया जज्जा भाग च, जान मारना खूब मेहनत करना। नेक्स्ट मां अपनी बोली बेच, मां अपनी बोली बेच धी नू बोली, एक पहली बोली मीन्स अपनी भाषा मात भाषा, दूसरी बोली का भाव है कहन लगी के लगदी वाह सानू किसे नू बोली नहीं मारनी चाहिदी, बोली नहीं मारनी चाहिदी, ताने मीने नहीं देने चाहिए। तीसरे का मीनिंग है बोली मारना मुहावरा है, ताना देना, ताना देना, ताना देना, ताने मारने, किसे नू टोंट कसनी। पहली बोली का की है मात भाषा, अपनी बोली विच बोली, की बोली, बोली का भाव की है कहन लगी। ठीक है, तीन केड़े वर्ड हो गए बेटे, बोली मीन्स मात भाषा, अपनी बोली, सेकेंड वन इज कहना, थर्ड वन इज ताना देना। नेक्स्ट मां तोरियां दी वेल वाल देख के, ये मैं तुहानू टेस्ट च दिता, तोरियां दी वेल वाल वेख के रोटी वेल रही सी ते मन विच सोचिया रब साडी भी वेल वधाए तां असी वेल कराईए, चार वारी वेल शब्द आया।
ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਲ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੇਲਣਾ, ਮੀਨਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੇਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਐਗਜੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫੇਰਾ, ਵਾਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੇਲ ਚ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੇਲ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੇਲ, ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਲ, ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੇਲਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੇਲਣਾ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਰਾ ਫੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਵੇਲ ਵਧਾਏ, ਵੇਲ ਵਧਾਏ, ਵਧੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਆ, ਆਹ ਨਾ ਨਿਕੰਮੇ। ਨੈਕਸਟ, ਬੂਟਾ ਅਜੇ, ਬੂਟਾ ਅਜੇ 2 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। 2 ਫੁੱਟ ਮੀਨਸ ਮਾਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਉੱਗ ਪਏ। ਨੈਕਸਟ, ਰਵੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਫੁੱਟਣਾ ਮੀਨਸ ਬੋਲਣਾ, 5 ਵਾਰੀ ਫੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉੱਗ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਮੋੜ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਮੋੜ ਪੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮੋੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੋੜ ਮੀਨਸ ਨੁੱਕਰ, ਨੁੱਕਰ। ਉਸਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਉਲਟੀ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੀਨਸ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋੜੀ ਮੀਨਸ ਮੋੜਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਸ਼ਬਦ ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੋੜੀ ਉਲਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿ, ਵੋਮਿਟ ਆਉਣਾ, ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਲਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਲਟੀ, ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਉਲਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਿੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉੱਠ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਗਣਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਠਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਠਾ ਦਾ ਸੋਰੀ, ਉਠਾ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਠਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਨਾ, ਆਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਆਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਆਨਾ ਮੇ ਮੀਨਸ ਆਉਣਾ, ਆਨਾ ਮੀਨਸ ਜਲਦੀ, ਆਨਾ ਮੀਨਸ ਜਾਣਾ, ਆਨਾ ਮੀਨਸ ਸਿੱਕਾ, ਸਿੱਕਾ। ਚਲੋ ਆਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਹੋਏ। ਆਨਾ ਮੀਨ ਡੇਲਾ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਮੀਨਸ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ ਟਾਲ ਮਟੋ, ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲੀ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੰਗ, ਸੱਚ, ਚੌੜਾ। ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੀਨਸ ਰਸ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੀਨਸ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ, ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸੱਤਵੀ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾ ਸੱਤ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਤਵੀ ਤਾਕਤ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਹ ਸਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਵੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਵਨ, ਇੱਕ ਰੰਗ, ਵੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਵੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਰੰਗ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੱਟਣਾ ਕਮਾਈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ, ਉਸਨੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ, ਉਸਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਮੀਨਸ ਕਮਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਵੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਖੱਟੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਖੱਟੀ ਮੀਨਸ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ, ਖੱਟੀ ਮੀਨਸ ਸਵਾਦ, ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੀਕ, ਲੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੀਕ ਮਤਲਬ ਲਕੀਰ, ਲੀਕ ਮਤਲਬ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਧੱਬਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਲੀਕ ਮਤਲਬ ਕਲੰਕ, ਲੀਕ ਮਤਲਬ ਦਾਗ, ਲੀਕ ਮਤਲਬ ਲਕੀਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣਾ, ਚੋਣਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜੀ ਲਵਾਂਗੇ।
नेक्स्ट एक लकीर, लकीर कलंक नेक्स्ट वट शब्द केड़ा बो आर्थक नहीं है वट एक वट मतलब गुस्सा तू मुंह क्यों वटिया होया एक वट का मतलब है नेक्स्ट वर्ड वट शब्द हुमस गर्मी आज बहुत वट चढ़िया मी पेगा ठीक है एक वट मतलब छोटा बन्ना खेतां दे विच वट्टां बना के पानी खड़ा किता जांदा है छोटे छोटे बन्ना बना के छोटे छोटे बन्ने बना के पानी खड़ा करदे आ ना फसल उपजाउण लई ओह वट्टां बनाईआं जांदीआं ठीक है ते वट दा मतलब एक अलग दिता है इररेलेवेंट वर्ड इज्जत इज्जत नहीं है वर्ड ओ कहिंदे केड़ा शब्द नहीं है वट दा मतलब हुमस भी है गर्मी भी है जिन्हों हुमस होए जां गर्मी होए इक्को ही वर्ड है वट दा मतलब है गुस्सा करना ठीक है वट दा मतलब है छोटे बन्ने बनाने छोटे बन्ने बनाने एक वट दा मतलब होर लिख लो खिच के उन्हें वट के थप्पड़ मारिया खिच के थप्पड़ मारिया वट के मीन्स खिच के ठीक है वट मतलब खिच के खिच के नहीं लिसन खिच के नहीं खिच के चचे दे नाल ते जे नाल ऑप्शन दिती होवे खिच के फिर वो गलत हो जाएगा ठीक है बच्चे नेक्स्ट वर्ड भंग शब्द दा नहीं नहीं ओ खिजना ओ गुस्सा करना ओ गुस्सा ठीक है इत्थे खिच के नेक्स्ट भंग शब्द दा केड़ा वो अर्थक नहीं है भंग शब्द दा केड़ा वो अर्थक नहीं है भंग दा मतलब है रुकावट भंग दा मतलब है नशीली वस्तु जिवें भंग दे जदों होली होली हुंदी है ना ते भंग दे पकौड़े बनाए जांदे अगे भंग दा मतलब है तोड़ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं तोड़ना कि उन्हें नियम स्कूल दे भंग कीते आ उन्हें सजा मिलनी है हुण इररेलेवेंट की होएगा नहीं नहीं रुकावट तो है विघन सॉरी ए ऑप्शन रुकावट नहीं आना विघन आना नहीं उन्हें बंदे हुए काम विच विघन पा दिता विघन ते रुकावट थोड़ा जा फर्क है ठीक है बच्चे वो अर्थक शब्द हो गए अच्छी तरह